हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 5 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने उन पार्ट के अंदर कवर कर दिए। आज की क्लास के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए कवर करवाने वाला हूं, जिसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आज चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कितने लेवल पे काम करता है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो, ये चीज अगर मैं आपको ऐसे समझा दूं कि ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल और ये वर्क फोर्स है, तो ये सारी चीजें मैं आपको एक तरीके से रटवा दूंगा। लेकिन अगर आप इस चीज को समझना चाहते हो तो आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है कि मान के चलो हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को चलाने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ऐसे तो चलेगी नहीं कंपनी। तो कंपनी ने अपने आप को चलाने के लिए पहले कुछ बड़े लोगों को हायर करा, 1, 2, 3, 4, मान के चलता हूं कि यहां पर 4 लोगों को हायर करा गया। अब इन 4 लोगों के मैं कुछ नाम दे देता हूं। जैसे एक बंदे का नाम रख दिया मैंने CEO, ठीक है, और दूसरे बंदे का हमने नाम रख दिया CMO, तीसरे बंदे का हमने नाम रख दिया CSO और एक बंदे का हमने नाम रख दिया भाई CTO, ठीक है। CEO हो गया, CMO हो गया और CSO हो गया, CTO, इसी तरीके से प्रेसिडेंट और भी लोग हो सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग, चीफ सेल ऑफिसर, टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अब देखो, CEO कौन होता है? CEO एक ऐसा बंदा होता है जो कंपनी के अंदर अगर पत्ता भी हिलेगा, वैसे तो इनके बहुत सारे सबके फंक्शंस होते हैं, मैं एक एक फंक्शन आपको क्लियर करता हूं जो सबसे मेन फंक्शन है। CEO एक ऐसा बंदा होता है जिसके बगैर कंपनी का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जैसे गूगल कंपनी में अभी सुंदर पिचाई है, ये कंपनी के लिए ऐसे टीम्स को बनाता है जो कंपनी के लिए कॉपरेशन करती है, जो कंपनी को चलाने का काम करती है। CMO क्या होता है? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये बड़े लेवल पर कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा CSO, चीफ सेल ऑफिसर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये कंपनी की सेल को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करने का प्रयास करता है। उसके बाद CTO, कंपनी किस तरीके की टेक्निक के ऊपर काम करे, ये CTO का फैसला होता है। इसके अलावा एक बंदा और भी हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रेसिडेंट। अब जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है, इसका जो सबसे मेन काम होता है प्रेसिडेंट का, वो होता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना, बातचीत करके रखना, ठीक है। तो ये सबसे मेन बंदे हैं। अब देखो, इस कंपनी में कंपनी ने सबसे बड़े बड़े बंदों को हायर करा। अब इनको पता है कि कंपनी ऐसे नहीं चल सकती, कंपनी के अंदर बहुत सारे काम है, कंपनी के पास बहुत डेली बेसिस पे पैसा आएगा जाएगा, कंपनी डेली सेल करेगी, कंपनी डेली रॉ मटेरियल परचेस करेगी, कंपनी डेली डेली पे एडवर्टीजमेंट करवाएगी, बहुत सारे काम है। तो इन लोगों ने मिलकर कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए। डिपार्टमेंट्स क्या बनाए? जैसे पहला डिपार्टमेंट बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट बना दिया भाई परचेज डिपार्टमेंट, तीसरा बना दिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, चौथा बना दिया मान के चलो आपका सेल डिपार्टमेंट, उसके बाद बना दिया मैन्युफैक्चरिंग, के बाद मार्केटिंग लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला, उसके बाद बनाया उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद यहाँ पर बना दिया सेल डिपार्टमेंट, और सेल डिपार्टमेंट के बाद इन्होंने बना दिया HR डिपार्टमेंट। ये कुछ डिपार्टमेंट बना दिए, यानी कि पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, शेयर से कितना पैसा आया, डिबेंचर से कितना पैसा आया, इंटरेस्ट में कितना पैसा गया, सब ध्यान कौन रखेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में 1000 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 1000। तो अब क्या करेगा CMO, CA, जो भी हमारा CEO, ये क्या जाकर 1000 लोगों से बात करेंगे? ऐसा नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में 1000 लोगों को हमने काम पे लगा दिया, 1000 लोगों को। तो 1000 लोगों से बात करना संभव नहीं है, तो इसलिए हमने इसका एक हेड बना दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या बना दिया? एक हेड बना दिया। परचेज डिपार्टमेंट का, अब देखो परचेज डिपार्टमेंट में मान के चलो 500 लोग काम कर रहे हैं, तो यार 500 लोगों से थोड़ी ना बात की जा सकती है, तो 500 लोगों में से हमने एक बंदे को यहां पर हेड बना दिया। सेम ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी हमने एक बंदे को हेड बना दिया, यहां पर मान के चलो आपके काम कर रहे हैं 700 लोग, ठीक है, यहां पर काम कर रहे हैं 800 लोग, लेकिन हमने इसका एक हेड बना दिया, ठीक है, हमने इसका भी क्या बना दिया? एक हेड बना दिया। यहां पे 900 लोग काम कर रहे हैं, यहां पे 300 लोग काम कर रहे हैं, तो हमने इसका भी क्या बना दिया? एक हेड बना दिया। क्लियर है? तो ये सारे लोग 1000, 500, 700 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमने इनका क्या बना दिया? एक एक हेड बना दिया। क्लियर? इन्होंने अपने नीचे 3 लोगों का सिलेक्शन करा। कितने लोगों का सिलेक्शन करा?
तीन लोगों का सिलेक्शन करा, ठीक है। मैं वैसे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फोरमैन वगैरह नहीं होते, लेकिन मैं मान लेता हूं कि इन्होंने, इसने क्या करे, तीन जूनियर मैनेजर बनाए, एक दो तीन, तीन इसने जूनियर मैनेजर। परचेज डिपार्टमेंट ने क्या करा, एक बंदे को सुपरवाइजर बना दिया, एक बंदे को फोरमैन बना दिया और एक बंदे को इंस्पेक्टर बना दिया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने भी क्या कर दिया, तीन जूनियर मैनेजर बना दिए, इसने भी क्या कर दिया, मान लो इसी तरीके से सुपरवाइजर फोरमैन, इस तरीके से चार तीन तीन चार चार लोगों ने बनाए। अब जरा हम समझते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। जो बड़े लेवल पर कंपनी को संभाल रहा है ये लोग जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने काम का बंटवारा कर दिया, डिपार्टमेंट्स बना दिए, हर डिपार्टमेंट को अपना अपना काम दे दिया है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। परचेज डिपार्टमेंट कम से कम पैसों पे रॉ मटेरियल खरीदना है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कम से कम वेस्टेज के साथ क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस तरीके की मार्केटिंग करनी है ताकि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ठीक है। उसके बाद हमारा सेल डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। एचआर डिपार्टमेंट अच्छे इंप्लॉयज लेकर आना है, इंप्लॉय का डेवलपमेंट करना है, इंप्लॉयज की सैलरी टाइम पर बढ़ानी है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने इन सब का एक एक हेड बना दिया, क्योंकि यहाँ पर 1000 लोग काम कर रहे, तो ये 1000 लोगों से बात नहीं कर सकते, ये एक बंदे से। तो ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हमने बनाए हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ये हो गया हमारा मिडल लेवल मैनेजमेंट। क्या हो गया, मिडल लेवल मैनेजमेंट। और आपने इन 1000 लोगों को, इन वर्क फोर्स को कंट्रोल करने के लिए जो तीन तीन चार चार लोगों की ये जो टीम बनाई है, इन लोगों को हम लोग कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आई थिंक आपको इससे थोड़ा सा जो कंपनी के लेवल हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंपनी के मैनेजमेंट को तीन लेवल पर डिफाइन किया गया है। टॉप लेवल जो सबसे बड़े लेवल पर बैठा है, उन्होंने जो अपॉइंट करा है मिडल लेवल, और मिडल लेवल के अंदर जो अपॉइंट हुए हुए हैं लोअर लेवल, और लोअर लेवल जो होता है वो पूरी तरीके से संभालता है किसको, सारे वर्कफोर्स को। अब देखो जो भी ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर जो आएंगे कैसे आएंगे, पहले टॉप लेवल ऑर्डर देगा इसको, ये देंगे ऑर्डर इनको और ये देंगे इनको, ठीक है। इसी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, अगर ये काम गलत करेंगे तो ये इनके प्रति जवाबदेही रखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ये इसको जवाब देंगे और ये टॉप लेवल को जवाब देंगे, ठीक है। अथॉरिटी, राइट्स, सबसे ज्यादा राइट इनके पास है, उसके बाद राइट इनके पास है, उसके बाद राइट इन लोगों सुपरवाइजर फोरमैन वगैरह के पास है, उसके बाद राइट किसके पास है, वर्कफोर्स के पास है, ठीक है। तो आइए जो कंपनी का मैनेजमेंट है कैसा है। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट समझा दिया। मिडल लेवल में कौन कौन आता है, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, एक ब्रांच मैनेजर भी होता है। क्या होता है कि मान लो इस कंपनी ने अपने चार ब्रांचें कहीं और भी खोली, तो उन ब्रांचों के अंदर भी उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, टॉप लेवल को बताने के लिए एक एक बंदा रखा जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं ब्रांच मैनेजर। जैसे कि हम पंजाब नेशनल बैंक में जाते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहीं और है, लेकिन पंजाब नेशनल के ब्रांचें चल रहे, तो उसमें एक बंदा जो होता है वो ब्रांच मैनेजर होता है, वो सीधा जवाब देता है किसको, जो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट होता है, है ना, पंजाब नेशनल का। उसके बाद नीचे क्या आते हैं, सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर और क्लर्क। मैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको समझा दूंगा। तो एक बात तो आपको समझ में आएगी कि कंपनी तीन लेवल पे काम करती है, मैनेजमेंट तीन लेवल पे काम करता है, टॉप, मिडल और लोअर लेवल। उसके बाद नीचे आ जाता है हमारा वर्कफोर्स, जो मैंने आपको यहां पर समझाया था, क्लियर है। अब आगे चल रहे हम लोग, सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। टॉप लेवल मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये हमारे को समझना है टॉप लेवल के बारे में। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट के जो पांच फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये पांचों काम मैनेजमेंट के हर लेवल पे किया जाता है। टॉप लेवल पे भी पांचों काम किए जाते हैं, मिडल लेवल पर भी और लोअर लेवल पे भी। तो पहली बात तो उसने यही बता दिया। क्या याद रखना है कि मैनेजमेंट के हर लेवल पर मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद टॉप लेवल में कौन कौन आता है, दे कंसिस्ट सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के सबसे सीनियर लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में, सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो सब याद रखना कि टॉप लेवल में कौन कौन आता है। अब आ जाते हैं फंक्शंस में या ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल क्या क्या काम करता है। सबसे पहले
टॉप लेवल डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करने वाली है इस साल, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये डिसाइड करना ही टॉप लेवल का काम है। जैसे एक कंपनी ने बोल दिया कि मेरे हमारे को इस साल 1000 करोड़ रुपए की सेल लेकर जानी है, तो ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल, और फिर वो मिडिल लेवल को बताता है, फिर लोअर लेवल, फिर सारे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। डिटरमाइनिंग पॉलिसी, लेकिन ये 1000 करोड़ ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, टॉप लेवल बोलेगा ये 1000 करोड़ ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, इसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, कुछ जैसे कि नए कस्टमर्स को कैसे जोड़ना है, जैसे कि कस्टमर्स को ये वाला ऑफर दे दो मार्केटिंग, जैसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को बोलेगी कि भाई इस तरीके की ऐड करो, कुछ अट्रैक्टिव ऐड करो, अभी शाहरुख खान का टाइम चल रहा है उसको बुला लो, ठीक है, जिस हीरो का किसी को हमने ऐड पे रख रखा उसका टाइम खराब चल रहा है भाई उसको हटा दो, उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग पॉलिसी ये ऑब्टेन कैसे करना, उसकी पॉलिसी भी तैयार करके, उसका स्ट्रक्चर भी तैयार करके आपको कौन देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही उसका स्ट्रक्चर बनाकर देगा। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, अब क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, कौन कौन किस किस एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस करेगा, सबके ऑब्जेक्टिव फुलफिल, सबके ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दिए जाते हैं, ठीक है ना, परचेज कैसे, सेल कैसे, एडवर्टीजमेंट कैसे, प्रोडक्शन कैसे, रिसर्च कैसे। असेंबलिंग रिसोर्सेज, काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, काम करने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, तो ये सारे लोग, ये सारी चीजें हमारे को कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, फिक्स असेट्स कहां से मिलेगा, ये सब अरेंज करके देना टॉप लेवल का काम है। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, इसके अलावा जब मिडल लेवल लोअर लेवल काम करेंगे तो उनके वर्क को कंट्रोल भी करके रखना, ये नहीं कि अपनी मनमानी से फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करता हुआ चला जा रहा है, उनको कंट्रोल करके रखना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है अप्रूविंग बजट, अप्रूविंग बजट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, बजट बनाकर देता है, किसको बजट बनाकर देता है, मिडल लेवल पे, यानी कि टॉप लेवल सारे डिपार्टमेंट, फाइनेंस वाले को देगा भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इस बार क्या करना है, मान लो इतनी एसियां लगेंगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने फर्नीचर की जरूरत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पंखों की कमी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पानी की सुविधा नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का रेनोवेशन होना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में इतने कंप्यूटर आने, सारा बजट बनाकर कौन देता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसी तरह से वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए क्या करता है, बजट सेट करने का भी काम करता है, ठीक है। तो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े फंक्शंस है वो समझ में आ गए, टॉप लेवल क्या है, टॉप लेवल ही तो कंपनी को चलाने का काम करता है, टॉप लेवल कंपनी का पावर हाउस है, वहीं से कंपनी पूरी तरीके से चलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल में जो आपको बातें याद रखनी है, मिडिल लेवल क्या करता है, मिडिल लेवल एक तो ना कनेक्शन होता है, कनेक्शन होता है किसका, टॉप लेवल और बॉटम लेवल का, यानी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज एट द लेवल ऑफ पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो फ्रेम किया गया है, जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई है उसको इंटरप्रेट, यानी कि उसको एक्सप्लेन करता है अपने डिपार्टमेंट में। टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने डिपार्टमेंट में आता है, बोलता है भाई टॉप लेवल से ये ऑर्डर आया कि इस बार 1000 करोड़ की सेल देनी है, ठीक है। कौन आएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड आएगा वो आएगा, और सारे सुपरवाइजर जो भी उसके अंदर फोरमैन जो भी लोग काम करते हैं, जो भी जूनियर मैनेजर है, उनको आके बोलेगा भाई अब ऐसे ऐसे काम करना है, ये ऊपर से ऑर्डर आया है। यानी कि टॉप लेवल द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को एक्सप्लेन करता है कौन, मिडिल लेवल, ठीक है। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, अपने अंडर काम करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज को, क्योंकि एक बात बताओ, टॉप लेवल ने बोला कि 1000 करोड़ की सेल करनी है, तो मार्केटिंग वाला आएगा, मार्केटिंग वाला सारे काम खुद नहीं कर सकता क्या, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड है क्या वो सोशल मीडिया पर खुद ही बैठेगा वो करने के लिए, क्या वो सारे हीरो वगैरह से खुद ही बात करेगा कि भाई आप आओ हमारे यहाँ, वो क्या करेगा, उनके काम जिम्मेदारियां लोगों की क्या कर देगा, फिक्स कर देगा, ठीक है। तो उन जिम्मेदारियों को फिक्स करने के लिए जरूरत होगी लोगों की, तो अपने डिपार्टमेंट के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड फाइनेंस डिपार्टमेंट की एम्प्लॉयज की भर्ती करेगा, ठीक है, और सेल डिपार्टमेंट का सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को लेकर आएगा, सुपरवाइजर कौन बनेगा, है ना, किसको वो जूनियर मैनेजर बनाना चाहता है, इस तरीके की, है ना। उसके बाद असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज, फिर उनको ड्यूटीज भी देगा, फिर उनको क्या दे देगा, ड्यूटीज भी देगा। जैसे मैं आपको यहां पर समझाता हूं, जहां पर मैंने एग्जाम्पल बनाया, देखो जो टॉप लेवल है उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड चुना, ठीक है। अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने अंडर क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने अंदर 3 जूनियर मैनेजर को रखता है, तो इन जूनियर मैनेजर का अपॉइंट कौन करने वाला है, ठीक है,
मिडल लेवल करने वाला है, और मिडल लेवल ही इनको क्या समझाने वाला है, काम भी समझाने वाला है कि तुम्हारा क्या क्या काम होने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो असाइनिंग द नेसेसरी ड्यूटीज। उसके बाद है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। मिडल लेवल अपने अंदर आने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करता है ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके। क्रिएटिंग कोऑपरेशन, यानी कि बातचीत करना, कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट डिवीजन ऑफ द रिक्वायर्ड सक्सेसफुली अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। बातचीत करना, सहयोग करना, किसका? अपने से। मिडल लेवल सहयोग करता है टॉप लेवल को, यानी उसकी बातें सुनता है और फिर जाकर उसको एक्सप्लेन करता है कहाँ, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठा के रखना, उनसे बातचीत करना और उनका सहयोग करना मिडल लेवल मैनेजमेंट का एक ड्यूटी है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है ना, थोड़ा कंफ्यूजन से भरा हुआ है, क्योंकि बच्चे इसके अंदर जो लोग आते हैं उससे थोड़ा सा अवेयर नहीं होते। भाई टॉप लेवल से अवेयर है कि टॉप लेवल में बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल से भी अवेयर हो जाते हैं जल्दी से, क्योंकि मिडिल लेवल में ठीक है हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के जो हेड है या एक दो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आ जाते हैं, तो उससे भी बच्चे अवेयर हो जाते हैं। लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो आने वाले लोग हैं ना, लोग उनके राइट्स नहीं जानते, लोग उनके काम नहीं जानते, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं इनके लोगों से आपको मिलवाता हूं। देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट में, मान के चलो जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने क्या करा, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। किस लिए डिपार्टमेंट बनाया? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां पर सामान बनेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बनाया। अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदे को हेड बनाकर तैयार कर दिया। अब क्या वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या करेगा, मशीनें चलाएगा, मशीनों के ऊपर ध्यान रखेगा, या फिर एम्प्लॉइज को सुपरवाइज करेगा, क्या क्या करेगा? तो इस बंदे ने क्या करा, इस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर चार लोगों को अपॉइंट करा। कितने लोगों को अपॉइंट करा? चार लोग। मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 1000 लोग। अब इसने 1000 लोगों में से चार लोगों को चुना है। कितने लोगों को चुना है? चार लोगों को चुना है। एक इसने चुना सुपरवाइजर। क्या चुना? सुपरवाइजर, कि जब लोग काम करेंगे तो उसको सुपरवाइज, उसकी देखरेख करना है। एक इसने चुना फोरमैन। क्या चुना? फोरमैन। फोरमैन का काम क्या है कि भाई जो सामान बन रहा है उसकी थोड़ी क्वालिटी वगैरह चेक कर ले कि कैसा बन रहा है, मशीनों को चेक कर ले, क्योंकि तुमने देखा होगा कि जैसी सामान बनता है तो बार बार मशीनों को चेक करना होता है, वो काम जो होता है वो फोरमैन का ही होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक आ गया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या है? अब देखो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आढ़ा टेढ़ा जो भी सामान बनाएगा क्या सेल डिपार्टमेंट को भेज देगा? सेल डिपार्टमेंट भेज देगा कस्टमर को, कस्टमर के पास सामान खराब निकला, केस हो जाएगा। तो इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से जितना सामान बन के जा रहा है पहले उसको चेक करे, और साथ में परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल भेज रहा है वो इंस्पेक्टर उसे भी चेक करता है। देखो ये क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट से जो सामान आ रहा है उसको चेक करेगा, ठीक है, और सेल डिपार्टमेंट में जो जा रहा है उसको भी चेक करेगा कि हम सही बना के भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे। इसे हम लोग कहते हैं इंस्पेक्टर, ठीक है। एक होता है क्लर्क। क्लर्क क्या करेगा? क्लर्क क्या करेगा? क्लर्क करेगा कि भाई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितना सामान आ रहा है उसको नोट कर लेगा, ठीक है, सारा कौन सा एम्प्लॉय आ रहा है, कौन सा एम्प्लॉय भी नहीं आ रहा, सारी डिटेल कौन रखेगा उस डिपार्टमेंट की क्लर्क, किसमें? पीसी में या फिर जो भी उसके पास जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें रखेगा। तो ये जो होते हैं ना, ये मेन बंदे होते हैं, ठीक है, किसके? बॉटम लेवल के जो मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल का मैनेजमेंट। एक सुपरवाइजर। सुपरवाइजर क्या करता है? पूरा डायरेक्शन देता है। मान लो इसके अंदर सुपरवाइजर, अब एक सुपरवाइजर नहीं हो सकता, मान लो 10 सुपरवाइजर, क्योंकि 1000 लोग है तो 1000 लोगों को कंट्रोल करने के लिए 10 सुपरवाइजर भी हो सकते हैं। सुपरवाइजर का आपको काम समझ में आ गया होगा। फोरमैन का काम समझ में आ गया, मशीन वगैरह चेक करना, फिर जो सामान बन रहा है देखना कि मशीन सही से उसको कट कर रहा है सामान को या नहीं कर रहा। मान लो फर्नीचर बन रहा है तो फर्नीचर चेक भी तो करना है, फर्नीचर की कटिंग सही भी हो रही कि नहीं, मशीन कहीं खराब तो नहीं चल रहा, पावर चेक करना, ये सारे काम इसका होता है, ठीक है। आपको इंस्पेक्टर का काम समझ में आ गया होगा कि परचेज डिपार्टमेंट से जो सामान आया उसको चेक कर भाई वो सही सामान भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, कहीं गलत तो नहीं भेज रहा। दूसरा, जो सामान मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से सेल में जा रहा है उसको भी चेक कर लो सामान सही जा रहा है, कहीं सेल्स डिपार्टमेंट बाद में ब्लेम करे कि खराब सामान भेज रहे हैं, अपनी तरफ से सामान चेंज कर दे। तो ये इंस्पेक्टर का काम है, जो है सामान जो बन रहा है उसको चेक करना। ये मोस्ट चार बंदे याद रखो, ये जो होते हैं ना, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट की जान है, ये चार बंदे। और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये थोड़ा सा बदल भी जाता है, जूनियर मैनेजर आ जाता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में फोरमैन क्या करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर नहीं होते, उसमें जूनियर मैनेजर होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट इट इज ऑल्सो नो एज द
सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, इसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अंडर दिस वेरियस फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडेड, क्योंकि इसमें मोस्टली सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं। दे आर कॉल्ड द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट मैनेजर्स, इसे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्क फोर्स से सीधा कनेक्टेड होते हैं। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ओवरसीइंग द ऑफर्स ऑफ एक्चुअल वर्क फोर्स, वर्क फोर्स एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है, सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा, उनको गाइड करना, ये सारा काम इनका है। इंटरेक्टिंग विद द एक्चुअल वर्क फोर्स, वर्क फोर्स के साथ इंटरैक्ट होना, उनसे कम्युनिकेशन करना, उनसे बातचीत करना, उनकी प्रॉब्लम को सुलझाना, ये सारे काम किसके हैं, जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है। इंश्योरिंग द क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग द वेस्टेज, बॉटम लेवल मैनेजमेंट यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट का एक जिम्मेदारी यह है कि वर्क प्लेस पर इस तरीके से वर्कफोर्स काम करे कि वेस्टेज सबसे कम हो, रॉ मटेरियल का कम से कम यूज हो और क्वालिटी भी बनी रहे, गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो रही कि नहीं हो रही। जैसा कि आपको पता है इंस्पेक्टर क्या करता है, क्वालिटी चेक करता है, एक तरीके से क्वालिटी भी चेक कर लेता है और मिनिमम वेस्टेज के ऊपर ध्यान रखता है, मशीन कब चले, कैसे चले, कितने घंटे चले, पावर कितनी चाहिए, ये सारी चीजें उसी का काम होता है। और मेंटेनिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये भी काम फोरमैन का होता है। देखो आप लोग, मशीन अगर सही खराब चलेगी, बड़ी बड़ी बड़े बड़े प्लांट चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरियां चलती हैं फैक्ट्री कारखानों के अंदर, थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से कई कई लोगों की जान जा सकती है, ठीक है। तो ये सारा फोरमैन इंश्योर करता है, सुपरवाइजर ये सारी चीजें इंश्योर करते हैं। तो सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये मेन बंदे होते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा हूँ, मिडल लेवल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट की ये चार जो होते हैं ये बड़े बड़े लोग होते हैं, मैंने बताया, और मिडल लेवल मैनेजमेंट के ये बड़े फंक्शंस होते हैं बच्चों।